नमस्कार। हमारी वोकैबुलरी को एनरिच करने के लिए हमें रोज रोज नए शब्द सीखने होते हैं, और नए शब्द सीखना एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है जब हम उन नए शब्दों को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो खुद ही बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है कि हमारी लैंग्वेज और बेटर होती जा रही है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रूट्स। रूट्स यानी बेस ऑफ द वर्ड, वो बेस जिससे कि हम वर्ड्स बनाते हैं और उस रूट का एक मतलब होता है। रूट्स का ज्ञान बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वर्बल एबिलिटी में वो अगर रूट्स उन्हें पता है तो बहुत अच्छी तरह से वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। जैसे रूट आपने देखी साइड, CIDE। अब साइड का मतलब होता है किलिंग। ये रूट्स बने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो बनी है ये बनी है लैटिन, ग्रीक और स्पेनिश लैंग्वेजेस से मिल करके। तो रूट का अगर हमें ज्ञान है तो हम वर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, और एक रूट से जो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं उसे हम कहते हैं वर्ड फैमिली। तो चलिए आज हम वर्ड फैमिली बनाते हैं। तो मैं बात कर रही थी साइड की। तो साइड का अगर हमें पता है मतलब कि साइड मतलब किलिंग, तो हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। सुइसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड। अब मेट्रिसाइड, मेट्री भी एक रूट है और साइड भी एक रूट है। मेट्री मतलब मदर एंड साइड मतलब किलिंग। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो कि रूट्स हैं और शब्दों को हम बना सकते हैं। दूसरा, एग्जाम्स में जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो क्लोज क्वेश्चन होते हैं, कई बार होता है कि जो चार ऑप्शंस दिए हैं A, B, C और D, वो चारों ही इतने नज़दीक होते हैं, ऐसा लगता है कि ये चारों ही सही ऑप्शन है। लेकिन अगर हमें रूट का ज्ञान है और हमसे सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग या एंटोनिम यानी ऑपोजिट मीनिंग पूछा गया है, तो हम उसको बहुत इजीली बता सकते हैं। तो आज मैं रूट्स के जरिए आपको कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने वाली हूँ। तो चलिए, पहली रूट मैंने ली है BEN या BON, जिसका मतलब होता है गुड, अच्छा, नाइस, और इससे बनने वाले शब्द। तो ये शब्द आप देखिए, बेनिवोलेंट, बेनेडिक्शन, बेनिफिट, बेनाइन, बेनेडिक्ट, बोनाफाइड, बॉ वोयाज, बहुत सारे शब्द हैं और भी बनते हैं, लेकिन मैं कुछ ही शब्द आप लोगों के लिए ला सकती थी, तो ये मैं लेके आई हूँ। और आप देखिए, हर शब्द का मतलब होता है गुड। बेनिवोलेंट, उदार, बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग, बेनिफिट, बेनाइन। बेनाइन कैंसर होता है जो कि अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है और क्योरेबल होता है। उसका ऑपोजिट हम लाए हैं मैल, यानी मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट कैंसर होता है जो बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज होती है, और मैल रूट से बनने वाले जो ये वर्ड फैमिली बनती है, इन सब का मतलब होता है बैड, खराब। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट कैंसर। मेलिवोलेंट, मेलिवोलेंट का ऑपोजिट बेनिवोलेंट। मेलिफेक्टर, बेनिफेक्टर। मेलिफिशियंट, बेनिफिशियंट। मेलेडिक्शन, बेनेडिक्शन। मेलाफाइड, बोनाफाइड। मलाइन, बिनाइन। एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है, लेकिन हाँ, मीनिंग्स के हिसाब से गुड एंड बैड है। चलिए, अगली रूट हुई हमारी EU। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, EU से बनने वाले जितने शब्द होते हैं उन सब का मतलब होता है हैप्पी या गुड। आप कोई भी शब्द अगर आपको नहीं मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको इतना पता है कि ये EU से बन रहा है, तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही होगा, नाइस होगा। यूफेमिज्म, यूथनाइज, यूफोनी। यूफेमिज्म का मतलब पता है आपको, कि कोई भी कड़वी गोली शुगर कोटेड करके देना, कड़वी बात को मीठे ढंग से कहना, यूफेमिज्म। यूजेनिक्स, यूलॉजी, प्रशंसा करना। यूफोरिया, हैप्पीनेस। यूलॉजिस्ट। तो आपने देखा किस तरीके से हम रूट से वर्ड फैमिली बनाते हैं। चलिए, वोकैबुलरी में आगे बढ़ते हैं। हम
हम एक और रूट्स लेके आए हैं आपके लिए, ए एम। अब ए एम वर्ड से जो भी वर्ड्स बनते हैं ए एम रूट से, उन सब का मतलब होता है गुड या फ्रेंडली, अच्छे, एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, एमोरस, एमोरस ऑफ कोर्स लव, ठीक है। और हम एक रूट लेकर के आए हैं, अब ये जो प्यार है, दोस्ती है, उसका ऑपोजिट क्या हुआ, लड़ाई, झगड़ा, शार्प, फाइट। तो ये शब्द किससे बने, किस रूट से, एसीआर से। बस ये ध्यान रखिए कि हर वर्ड जो इन रूट से बनता है सबका एक ही मीनिंग नहीं होता। एसीआर से एक्रेलिक भी बनता है, एक्रेलिक डज नॉट मीन फाइट और शार्प, ओके। पर जो वर्ड्स बनते हैं जैसे एक्रीमोनियस, अब एक्रीमोनियस का मतलब होता है बिटर फाइट, झगड़ा करना, बिटर फाइट। एक्रेट, एसर्बिक, एसर्बिक मतलब बहुत ही तीखे, खराब वाले, व्यंग बाण, गंदी भाषा। एसिड, एसिड का मतलब तीखा, एसिड, एसिडिक, यू नो दैट। अब मैं एक और पेयर लेके आई हूं सीनियर एंड जूनियर का, सीनियर का अपोजिट जूनियर। तो ये एक रूट है, इसका मतलब होता है एस ई एन और मतलब होता है ओल्ड या सीनियर, सीनियोरिटी। देखिए आप सारे वर्ड सीनियर से बनेंगे, सिनोरा, सीनियर, सेनेसेंट। सेनेसेंट का मतलब, अब हिंदी में भी हम कहते हैं ना जो बूढ़ा हो रहा है लेकिन एक्टिव है, तो कई बार हम मजाक में कह भी देते हैं सठिया गए, यानी 60 साल से ऊपर के हो गए, सेनेसेंट। सेनाइल, सेनेसाइड, साइड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूं, सी आई डी ई। इसका ऑपोजिट हम लाए हैं जे यू एन ए, जूनियर, जूनियाटा। जूनियाटा एक छोटी बच्ची को नाम से बुलाते हैं, जूनियाटा। जूनियरेट, जूनिपर, जूनिपर एक एवरग्रीन, ग्रीन यंग ट्री, ठीक है। तो ये हुए हमारे सिनोनिम्स ऑफ एंटोनिम्स के रूट से पेयर्स। चलिए अगला वाला हम, मैं आपके लिए लाई हूं प्रो। प्रो का मतलब होता है फॉर, इन फेवर ऑफ, ठीक है। प्रोग्नोस्टिक, प्रोनाउन, प्रो लाइफ, प्रो कंसल, प्रो बोनो। प्रो बोनो जब मैंने आपको फॉरेन वर्ड्स बताए थे तब शायद बताया होगा, प्रो बोनो मतलब बिना किसी पेमेंट के सेवाएं देना अपनी, प्रो बोनो। प्रो टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी। प्रो, प्रो का ऑपोजिट क्या हुआ, एंटी। तो ये मैं आपके लिए लाई हूँ रूट्स, एंटी। एंटी से, एंटी एक प्रीफिक्स भी है, प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके भी हम नए नए शब्दों को बनाते हैं और अपनी वर्ड फैमिली को इंक्रीज करते हैं। तो एंटी, एंटीथीसिस, एंटीपैथी, एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब पता है, कोई जहर अगर दिया गया है या कोई ऐसी दवाई जो कि बहुत नुकसान करती है तो उसका एंटीडोट होता है। एंटी सोशल, जो सोशल नहीं है, एंटी क्लाइमेक्स। एंटी मतलब ऑपोजिट, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट पेयर मैं आपके लिए लाई हूँ पॉली। पॉली मतलब मैनी, पॉली से वर्ड्स बनाए हमने, वर्ड फैमिली बनाई, पॉलीगॉन आपको पता है, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब जो कई भाषाओं को जानता है, पॉलीग्लॉट। पॉलीगैमी जो कई बार मैरिज करता है, पॉलीनेशिया। पॉलीसिलेबिक, बहुत सारे सिलेबल्स वाला, पॉली। और पॉली का ऑपोजिट क्या हुआ, मोनो। तो मोनो, मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल। मोनोलोग, खुद ही अकेला जो बोलता है स्टेज पे खड़े होके, तो वो मोनोलोग। मोनोग्राम, मोनोपोली, मोनोलिथ एक सिंगल चट्टान, मोनोगैमी, मोनोरेल, मोनोग्राफ, सबका मतलब हुआ वन या सिंगल। आइए अगला हमारा पेयर हुआ रेट्रो। ये रेट्रो शब्द आजकल बड़ा ही कॉमन हो रहा है, लोग रेट्रो फैशन करते हैं, रेट्रो परेड करते हैं, रेट्रो पार्टी की थीम्स होती हैं रेट्रो। रेट्रो का मतलब बैकवर्ड, रेट्रो एक्टिव, रेट्रो ग्रेड, रेट्रो सीडिंग, रेट्रो फेट, रेट्रोनिम, ठीक है, बैकवर्ड, रेट्रो। और रेट्रो का ऑपोजिट हमने क्या लिया है, प्रो। प्रो से बनने वाले शब्द जो कि फॉरवर्ड, प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव, ओके। सो प्रोमिस, प्रोमोट, प्रोज एंड कॉन्स,
प्रोनाउन प्रो बोनो क्विड प्रो क्यो प्रोफेशनल प्रो। अगला पेयर मैं आपके लिए लाई हूं बर्थ एंड डेथ का। बर्थ, बर्थ मतलब जो रूट है इसकी वो हुई GEN, और GEN से बनने वाले जितने शब्द हैं उन सब का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है बर्थ से। एंटीजन, कार्सिनोजेन, कॉन्जेनाइटल, डीजेनरेट, एंजेंडर, जेनस, जेनरेशन, पीढ़ी, और जेन से ऑपोजिट हुआ डेथ। डेथ का रूट हुआ मॉर्ट, MORT, मॉर्ट। मॉर्ट से बनने वाले सारे शब्द क्या हुए? डेथ से रिलेटेड, मॉर्टल, मॉर्चुरी, इमॉर्टल, मॉर्टगेज, मॉर्टैलिटी, मॉर्टिशियन, रिगर मॉर्टिस, पोस्टमॉर्टम, ये सारे शब्द हुए डेथ से रिलेटेड। अगला पेयर मैं आपके लिए लाई हूं बिग, बिग एंड स्मॉल। बिग का जो रूट वर्ड हुआ मेगा, तो मेगा से हमने वर्ड फैमिली बनाई मेगा हिट, मेगा फोन, मेगा लिथ, मेगा डोज, मेगा स्टार, हर चीज बिग बिग, मेगा बाइट, ओमेगा, मेगा स्टोर, ये सारे वर्ड से का मतलब हुआ बिग। और इसका ऑपोजिट हुआ स्मॉल। स्मॉल मतलब जो रूट वर्ड है वो है माइक्रो या मिनी, माइक्रोस्कोप, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोब, माइक्रोवेव, माइक्रोप्रोसेसर, ये सारे वर्ड्स हुए माइक्रो। ओके, तो मतलब स्मॉल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज पेयर्स। चलिए थोड़े थोड़े ही रूट्स अगर आप याद करके उनसे वर्ड्स बनाएंगे और उनको ध्यान में रखेंगे तो न केवल आपकी अपनी वोकैबुलरी एनरिच होगी बल्कि आप बहुत अच्छी तरह से लैंग्वेज बोल करके और अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एग्जाम्स में आप बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू।